हनुमानगढ़ के नॉर्थ से है, जहां खालिस्तानी समर्थित लोगों को फंडिंग के मामले में एनआईए की टीम ने परलीका गांव में छापेमारी की। गांव के अंबेडकर चौक स्थित एक घर में टीम पहुंची। एनआईए टीम ने रविंद्र नामक युवक से पूछताछ की। परलीका निवासी रविंद्र करीब एक साल पहले से सूरतगढ़ में रहकर अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। रविंद्र ने बताया कि उनसे केवल शक के आधार पर पूछताछ की गई है। फिलहाल एनआईए को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो कि तैयार गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। सुबह 5 बजे के लगभग आई, हाँ जी, पूछताछ करियो वहाँ बन्ने या भी कुछ भी ते कठे रेड हो मैं सूरतगढ़ रेड हो जब भी बारे में कुछ हो भी कौन कौन रहन तो दार सागे जब मैं वहाँ जिकांगा मैं सागे रहन था वहाँ नाम बता दिया मैं कह के भी यहाँ के वहाँ कोई गलत काम करियो है तो बिंग है सक के आधार पर था ना पूछताछ करना यहाँ वहाँ कोई दार थे बोली दार थे बात करी मेरू और वहाँ कोशिश भी करी कर लगे पतो चल लगे कि या फिर जो भी है तो मेरे की कौन निकल भी अंदर मेरे फोन था मैं मोबाइल चेक कर लियो और मेरे अकाउंट चेक कर लियो बिम भी की को नहीं हो और मेरा घरे भी मान लियो चेक करियो तो बिम की